बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल स्टोरेज। तो स्टोरेज मींस डेटा को सेव करना। तो कंप्यूटर्स में हमारे पास चूंकि डेटा का सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जितना भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, चीजें मेंटेन करना चाहते हैं, वो सारी की सारी किसी ना किसी जगह सेव होती हैं। उसके लिए फिर चूंकि हमने ये क्लास में भी एक दफा डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर होता है उसमें फिर डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक को हम हार्ड डिस्क कहते हैं, एक को हमने रैम कहा था, एक को हमने कैशे कहा था, एक को हमने रजिस्टर कहा था। तो ये डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका अपना अपना काम है। तो आज जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं या इस लेक्चर में, वो ज्यादातर वो वाली स्टोरेज है जो कि परमानेंट स्टोरेज है। हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था कि जो आपकी वो होती है, जो जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है या जहाँ डेटा सेव करने वाली डिवाइसेस हैं, उनमें से कुछ अक्सर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डेटा टेम्परेरीली सेव करती हैं और कंप्यूटर को जहाँ जहाँ जरूरत होती है, प्रोसेसर को जहाँ जहाँ जरूरत होती है, वो वहाँ से एक्सेस कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डेटा परमानेंट स्टोर कर सकती हैं, हमने उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उनको ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो एक्चुअली काम कैसे कर रही होती हैं या डेटा स्टोर कैसे करती हैं। ठीक है जी, तो आज बेसिकली हमारा ये पर्पस है सीखने का। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस कोर्स लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टोरेज क्या है। अ स्टोरेज मीडियम इज द फिजिकल मटेरियल ऑन विच अ कंप्यूटर कीप्स डेटा। सबसे पहले चीज तो ये कि कंप्यूटर ने क्या क्या रखना होता है। सबसे पहले डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। जिस तरह हम अपना बहुत सारा डेटा रखते हैं, कुछ पीडीएफ की फाइल में होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल में होता है, कुछ किसी और फॉर्मेट में, वीडियो, जिस तरह आप वीडियोस प्लेस करते हैं, ऑडियोज प्लेस करते हैं, ये सारा आपका डेटा है। और कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जिस तरह आप कुछ खास तौर पे प्रोसेसिंग वगैरह करके अपने पास सेव कर लेते हैं, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रॉ मटेरियल नहीं है, जिस तरह आप एक्सेल फाइल्स में जब डेटा मेंटेन करते हैं तो वो असल में आपका, उसको हम डेटा नहीं कह रहे होते, वो असल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जब आप सीवी बनाते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं। आपने जूम इंस्टॉल किया है अपने पीसी के अंदर, इसी तरह आपने वीएलसी प्लेयर को इंस्टॉल किया होगा, इसी तरह आपने कोई और एप्लीकेशन जिस तरह क्रोम आप इंस्टॉल करते हैं। तो दीज ऑल आर एक्चुअली प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। असल में ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये प्रोग्राम्स ही होते हैं। इवन कि आपकी जो विंडोज होती है ये भी एक काइंड ऑफ प्रोग्राम ही है, बहुत बड़ा सा। इसके अंदर फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ये सारा कुछ मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास फिजिकल डिवाइस होनी चाहिए, फिजिकल मटेरियल होना चाहिए, ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो ये सारा कुछ सेव कर सके। फिर ऐसी चीजों को या उनको हम क्या कहेंगे कि दे आर स्टोरेज मीडियम। वो वाली डिवाइसेस, वो वाली फिजिकल मटेरियल्स जिन पर ये सब कुछ सेव हो सके, क्या डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन, उसको हम स्टोरेज मीडियम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ डेटा हम क्लाउड पर भी सेव कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने गूगल ड्राइव को एक्सपीरियंस किया होगा, आप में से सबका जिनका जीमेल का अकाउंट है, उन लोगों ने गूगल ड्राइव को यूज किया हुआ है, अपना डेटा वहां रखा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो वो जो डेटा आप गूगल ड्राइव पे रखते हैं वो हमारे पीसी में सेव नहीं होता। नॉर्मली हम वो उस वहाँ हमारे लोकल मशीन पर, लोकल पीसी पे सेव नहीं हो रहा, बल्कि वो गूगल के किसी सर्वर पर जाके सेव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चूंकि हमारे करीब नहीं है, हमारे फिजिकली वो जगह जहाँ डेटा सेव हो रहा है वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, इसका मतलब है हम कहेंगे वो किसी क्लाउड पे सेव हुआ है। तो जब एक डेटा हमसे दूर सेव हो रहा है किसी क्लाउड पे, तो हम उसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो अब ये क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली क्या होती है, ये कहाँ होती है, ये सर्वर्स पे होती है। जिस तरह हमने कहा था ना कि हमारे पीसीज होते हैं, ये एक, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं,
और कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं जो कि हैवी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम सर्वर्स कहते हैं। तो उनको, और उस टाइम हमने पिछले कुछ लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो डेटा स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डेटा डेटा सर्वर्स हम नॉर्मली उनको कह रहे होते हैं। तो उन पर अगर हम अपना डेटा सेव कर लें किसी तरह थ्रू इंटरनेट, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वर्स हैं जो हमसे दूर हैं उन पर अगर हम अपना डेटा सेव कर रहे हैं, तो वो डेटा सेव करने के लिए जरूरी क्या है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करें। तो जब हम इंटरनेट के थ्रू अपने पीसी से डेटा किसी दूर सर्वर पर भेजेंगे, तो एक्चुअली वी आर डूइंग क्लाउड स्टोरेज। तो वो हम किसी क्लाउड स्टोरेज पर अपना डेटा मेंटेन कर रहे हो। तो अगर आप ये सेकंड वाली डेफिनेशन देखें तो क्लाउड स्टोरेज कीप्स इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि जो क्लाउड स्टोरेज है वो कहाँ डेटा सेव कर रही है, वो एक्चुअली सर्वर्स पर अपनी इंफॉर्मेशन रख रही है, और वो सर्वर्स कहाँ है, वो इंटरनेट पे कहीं पड़े हैं, और वो हमारे करीब भी हो सकते हैं, वो हमसे दूर भी हो सकते हैं, ये अब डिपेंड करते हैं। एंड द एक्चुअल मीडिया ऑन विच द फाइल्स आर स्टोर्ड आर ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। अब इसमें एक्चुअल मीडिया क्या है, वो मीडियम, वो डिवाइसेस जो उस सर्वर पर लगी हैं। अब वो सर्वर पे क्या लगा होगा, सर्वर पे अल्टीमेटली आपके जिस तरह हमारे पीसी में हार्ड डिस्क लगी हुई है, सर्वर पे भी हार्ड डिस्क लगी होंगी, उस पर भी ऐसे कोई मीडियम लगा होगा जिस पर वो डेटा सेव हो रहा है, लेकिन वो हार्ड डिस्क हमें नजर नहीं आ रही, वो हमें पता नहीं है कितनी लगी हुई है, छोटी लगी हुई है, बड़ी लगी हुई है, या कितनी सारी लगी हुई है, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, ये भी हमें नहीं पता। इसलिए वो हमसे ट्रांसपेरेंट रहती है, वो हमेशा हमसे छुपी हुई रहती है। तो इसका मतलब है सर्वर, उन पर भी डिवाइसेस तो वही होती हैं, लेकिन वो हमसे चूंकि दूर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, हमें नजर नहीं आती, और उन सर्वर्स पर डेटा स्टोर कराने के लिए वी नीड टू हैव इंटरनेट, और उसके थ्रू हम उन पर डेटा सेव करा सकते हैं। तो इसलिए ये नॉर्मली हम दो तरह के मीडियम्स यूज करते हैं, स्टोरेज मीडियम जो कि लोकल होता है, और एक क्लाउड मीडियम जो कि हमसे दूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली इनके पीछे, इनके बिहाइंड ऑफ द सीन काम वही हो रहा होता है जो असल में हमारे पीसी में हो रहा होता है। अच्छा, अब स्टोरेज डिवाइस इज द हार्डवेयर। सबसे पहले तो ये हार्डवेयर होता है, ये हमें पता है, दैट रिकॉर्ड्स एंड रिट्रीव्स इन आइटम्स टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस है। अब जिस तरह हार्ड डिस्क है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन उस हार्ड डिस्क के अंदर भी एक खास जगह होती है जहां जाके हमारा डेटा सेव होता है, उसको हम स्टोरेज मीडिया कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक स्टोरेज डिवाइस जो होती है, जो कि एक्चुअली हार्डवेयर होता है, आप जब जब हम ये बात कर रहे हैं, तो आप अपने जेन में हार्ड डिस्क का जिक्र लेके आए, या अपने जेन में हार्ड डिस्क को रखें, तो अब हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे भी आगे डिटेल में किसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उनमें से एक ऐसी चीज है जहाँ हमारा एक्चुअल डेटा सेव होता है, उस जगह को जहाँ हमारा एक्चुअल डेटा सेव होता है हम स्टोरेज मीडिया कह रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर, और पूरी हार्ड डिस्क को हम स्टोरेज डिवाइस कह रहे हैं, जिसमें डेटा रीड करने का तरीका भी है, अब उसमें डेटा राइट करने का तरीका। तो इसलिए अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि स्टोरेज डिवाइस इज द हार्डवेयर दैट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि वो सेव कर रहा है, एंड रिट्रीव्स मीन्स वो डेटा निकाल कर ला रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड्स मीन्स डेटा का सेव करना, राइट करना, और रिट्रीव का मतलब है डेटा का रीड करके लाना कि भाई जो मैंने वीडियोस सेव करवाई थी या पीडीएफ सेव करवाई थी वो जरा निकाल के लाओ। और ये कहाँ हो रहा है, ये टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया, कि वो जो अंदर हिस्सा है जिसमें एक्चुअली हमारा डेटा सेव हो रहा है, वहां जाकर हमारा डेटा सेव भी हो रहा है और वहां से गेट भी हो रहा है। अब ये नीचे जो आपको ये जो एरोस नजर आ रहे हैं, इन एरोज में ये लिखा हुआ है कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम इनटू मेमोरी, ठीक है। अब इसको जरा आप गौर से समझ, रीडिंग क्या है, ये रीडिंग इज द प्रोसेस, एक एक प्रोसेस का नाम है, ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम। ये आइटम्स क्या हो सकते हैं, ये आइटम्स हमारा वो डेटा है जो हम सेव कराना चाहते हैं, वो हमारी वीडियोज हो सकती हैं, वो हमारी ऑडियोज हो सकती हैं, वो हमारी पीडीएफ की बुक्स हो सकती हैं,
वो कोई और हमारा डेटा हो सकता है, किसी भी तरह का जो डेटा है उसको हम आइटम्स कह रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रांसफर क्या कर रहा है, ये ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम इनटू मेमोरी। अब स्टोरेज मीडियम क्या है, ये हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, कि हमारी हार्ड डिस्क से, फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इनटू मेमोरी। अब ये जो मेमोरी जहाँ जिक्र हुआ है, तो यहाँ मेमोरी का मतलब है रैम, के रीडिंग का मतलब ये होगा, हार्ड डिस्क के केस में रीडिंग का मतलब ये है कि हम अपनी हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज मीडियम वाला हिस्सा है या स्टोरेज मीडियम है जिसको, जो कि असल में पूरी हार्ड डिस्क है, उसमें से डेटा ले लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं रैम के अंदर। तो जब हम ये डेटा हार्ड डिस्क से निकाल रहे हैं और रैम में जा रहा है, तो हार्ड डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा को रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया। सर रिपीट कर दें सर। सर रिपीट कर ले। सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि रीडिंग असल में क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने डेटा को, ये जो आइटम्स मीन है, आइटम मीन्स डेटा, कहाँ से, फ्रॉम स्टोरेज मीडियम, और स्टोरेज मीडियम कौन सा है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से कहाँ, इनटू कहाँ, कहाँ जा रहे हैं, मेमोरी, मेमोरी मीन्स रैम। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हार्ड डिस्क से डेटा रैम के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। हार्ड डिस्क से डेटा निकाल कर रैम में लेकर जाना, तो हार्ड डिस्क से जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज बेसिकली रीडिंग। तो हम डेटा को रीड कर रहे हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क और रैम में भेज रहे हैं। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह जब आप डबल क्लिक करते हैं अपनी मूवीज पड़ी हैं, लेट्स से, तो आपने मूवी पे, अब वो मूवीज कहाँ पड़ी होंगी, किसी फोल्डर में, तो वो फोल्डर कहाँ पड़ा होगा, हार्ड डिस्क में पड़ा होगा। तो जब आपने डबल क्लिक किया कि भाई अब इस मूवी को रन करो, तो अब जो चीजें हार्ड डिस्क में पड़ी होती हैं वो एग्जीक्यूट तो नहीं होती, वो चल भी नजर नहीं आती, मतलब वीडियो पड़ी तो हुई है लेकिन उसको चलाने के लिए जरूरी क्या कि आप प्रोसेसर उस पर काम करे और उसको एग्जीक्यूट करे। तो प्रोसेसर की तरफ लेकर जाने के लिए, हमने इससे पहले भी ये जिक्र किया था कि प्रोसेसर की तरफ लेकर जाने के लिए जरूरी है कि डेटा पहले रैम में पहुंचे। तो एक्चुअली जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप अपने डेटा को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम की तरफ भेजते हैं। तो जैसे ही आपने मूवी पे डबल क्लिक किया तो आपने क्या किया, एक्चुअली आपने हार्ड डिस्क से डेटा रीड किया और उसको रैम की तरफ भेजा। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। इसी तरह अगर यस पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ यस सर। तो जब जब आप किसी फाइल पे यस सर। डबल जब जब आप किसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, तो तब तब आप असल में अपनी फाइल, अपनी हार्ड डिस्क से रीडिंग करते हैं, डेटा को रीड करते हैं और उसे रैम की तरफ भेजते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक हो गया। अब जो राइटिंग वाला काम है, नीचे जो इसमें लिखा हुआ है जी, राइटिंग। अब राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा या आइटम्स फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडिया। तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, अगर डेटा ऑलरेडी रैम में पड़ा हुआ है, तो रैम से अगर डेटा चला जाए हार्ड डिस्क के अंदर और वहां प्रॉपर तरीके से सेव हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज राइटिंग। आप सबने, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह आप सबने एमएस वर्ड यूज किया होगा, जी सर। कभी फाइल्स वगैरह आपने लिखी हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एमएस वर्ड आपने ओपन किया और उसमें लेट से आप अपनी सीवी बना रहे हैं। अब आप सीवी के लिए डेटा भी उसमें लिख रहे हैं, अब आप उसमें चीजें कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आप अपने अपने एजुकेशन का रिकॉर्ड उसमें रखा, लिखा अपना नाम, एड्रेस और बाकी चीजें, सारी चीजें आपने लिखी। ये जो आप लिख रहे हैं, ये डेटा कहाँ जा रहा है, ये डेटा असल में आपकी रैम के अंदर सेव हो रहा है, रैम के रैम के अंदर। अभी तक आपने उसको ये नहीं कहा कि भाई सेव करो, क्योंकि जब आपने एमएस वर्ड ओपन किया, आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, अब वो जितना रिकॉर्ड है, जितना डेटा आपने टाइप किया है, वो सारे का सारा रैम में पड़ा हुआ है। फिर आपने कहा अच्छा भाई अब इस
डॉक्यूमेंट को मैं अपने फलां फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूं ताकि बाद में मैं सीवी को दोबारा भी देख सकूं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने जब उसको कहा जी सेव करो, फिर उसने हमसे पूछा अच्छा ये बता दो फाइल का नाम क्या रखना है, किस फोल्डर में सेव करूं। तो ये सारा जो प्रोसेस आप कर लेते हैं तो असल में आपने क्या किया, जो डेटा रैम में पड़ा हुआ था वो सारे का सारा आपने उठाया और हार्ड डिस्क में सेव करा दिया, क्योंकि फोल्डर जितने भी हमारे होते हैं ये सारे हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया सब? yes. सबको समझ आ गया? जी सर, जी सर, ठीक हो गया। अच्छा ये फिर कुछ उन्होंने बताई है कि अच्छा जी जो स्टोरेज आपकी होती है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है, इसमें बहुत सारी आपको नजर आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी आपने देखी हुई हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, एसएसडी आपने देखी होगी, उसके बाद मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो आप अक्सर फोन में सेव कर रहे होते हैं, फोन के अंदर लगा रहे होते हैं, आपकी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, और प्लस और भी बहुत सारी स्मार्ट कार्ड्स होते हैं आपके, उनके अंदर भी डेटा सेव होता है, RFIDs होते हैं, टैग्स वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेव होती है। याद रखें वो वाली पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं, अच्छा देखें पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर नहीं लगी होती, वो असल में कंप्यूटर से बाहर होती है। हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर हो और वायर के थ्रू वो कनेक्ट हो सके उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आई आपको? अच्छा आई रिपीट, हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर लगी हो या कंप्यूटर के बाहर हो उसके अंदर एग्जिस्ट ना कर रही हो और हम उसे कंप्यूटर के साथ किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। अब वो डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, मतलब आप स्कैनर लगा देते हैं, अब वो स्कैनर पेरिफेरल डिवाइस है लेकिन उसका काम स्कैन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेके जाना है। इसी तरह प्रिंटर है, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, आप उसका काम चेंज हो गया, अब उसका काम है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट फॉर्म में बाहर लेके आना, ठीक है ना, अब उसका ये काम है। इसी तरह कई दफा ऐसा होता है आप मोबाइल फोन कनेक्ट कर लेते हैं यूएसबी केबल के थ्रू, आप मोबाइल फोन कनेक्ट कर लेते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उस केस में आपका काम आपका पर्पस डेटा को ट्रांसफर करना होता है। इसी तरह आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लेते हैं ताकि कंप्यूटर के एक हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उस हार्ड डिस्क में से डेटा आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी कर सकें ताकि आपकी जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क है उसमें स्पेस बढ़ जाए, क्योंकि उसमें जो डेटा आप कॉपी कर लेंगे वो आप कंप्यूटर से डिलीट कर देंगे और आपके पास कुछ और डेटा रखने की फैसिलिटी आ जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको पेरिफेरल डिवाइसेस वाली? जी सर। सर ये RFID टैग्स और ये NFC टैग्स क्या है? अजी हम आगे डिस्कस करेंगे जी, आज पूरा लेक्चर इसी के बारे में। स्पीकर्स वगैरह भी इसी में आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस? जी वो पेरिफेरल डिवाइसेस ही हैं लेकिन वो स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है। यहाँ जितनी आपको नजर आ रही है ना इस टाइम स्लाइड्स में, ये सारी की सारी स्टोरेज वाली हैं, जिस तरह सीडी है, सीडी में डेटा स्टोर होता है, ये आपको सारी स्टोरेज डिवाइसेस नजर आ रही है। वैसे पेरिफेरल डिवाइसेस कोई भी हो सकते हैं, आपका माइक हो गया, आपका एक्सटर्नल कैमरा जो होता है, सम टाइम आप वेब कैम लगा लेते हैं, आपने स्पीकर लगा लिए, आपने कुछ और लगा लिया, डेटा सेव तो नहीं होता लेकिन इसीलिए हम उसे स्टोरेज डिवाइस नहीं कहते ना, लेकिन उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर एग्जिस्ट करती है और कंप्यूटर से अटैच हो सकती है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, और जिन डिवाइसेस में डेटा स्टोर हो सकता है सिर्फ वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जी सर। जी सर, वेब कैम हो गया सर, ये एक लैपटॉप के बीच में भी होता है, तो इसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल भी हो सकता है ये? नहीं, स्फेरी नहीं, पेरिफेरल। जो पेरिफेरल
सफारी नहीं पेरिफेरल पेरी अच्छा पेरिफेरल अच्छा देखें जो जो जिस तरह लैपटॉप के अंदर वेब कैम लगा हुआ है ना तो उसे हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहेंगे उसे हम कहेंगे जी इनबिल्ट लगा हुआ है और अगर एक और कैमरा आप खरीद के लाएं जो कि सॉरी सर एक्सटर्नल हो और आप अटैच कर दें तो उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे जी बोले ये जो कार्ड वगैरह पड़े हुए एटीएम के दूसरे ये भी स्टोरेज डिवाइसेस होती है इसमें आपके एटीएम के अंदर डेटा पड़ा होता है ना एटीएम जो आपकी एटीएम कार्ड होता है उसके अंदर डेटा होता है ना तो इसका मतलब वो भी स्टोरेज डिवाइस होती है लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी का डेटा नहीं सेव कर सकते उसमें हमेशा बैंक वालों ने जो इन्फॉर्मेशन सेव की है वही हो सकती है डिलीट हो सकती है इन्फॉर्मेशन या परमानेंट रहेगी वो परमानेंट रहेगी वो नॉर्मली वो लोग डिलीट नहीं करते वो कार्ड आपका काट देते हैं जाया कर देते हैं आपने अक्सर देखा वो कार्ड आप काट देते हैं ना जब नया आ जाता है वो कहते होते हैं कि हम नया कार्ड भेज रहे हैं पुराना आप काट देंगे ताकि इस्तेमाल ना हो सके तो नॉर्मली वो लोग डिलीट नहीं करते क्योंकि वो आपसे वापस नहीं लेते क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते ना हमारे पास अथॉरिटी नहीं है उसमें से डेटा डिलीट करने की तो जी अगर एक्सपायर हो जाए एटीएम मशीन वापस नहीं देते वो तो और बात है ना वो तो छोड़ देना अच्छा आगे चलें सर अच्छा अब जो स्टोरेज है जब हम स्टोरेज डिवाइस का जिक्र करते हैं तो उसमें एक चीज का हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं कि हमारी जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो कितना डेटा सेव करा सकती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें पता होना जरूरी है जब भी हम कोई स्टोरेज डिवाइस लगा रहे होते हैं तो उसमें कैपेसिटी का जो एलिमेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैपेसिटी एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस लेनी चाहिए और उस पर कितनी हमें कितना हमें खर्चा करना चाहिए तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कैपेसिटी पे तो अब कैपेसिटी एक्चुअली क्या होती है कैपेसिटी असल में ये होती है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर सेव कर सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो कितनी हो सकती हैं किसी एक डिवाइस की जहां डेटा स्टोर हो सकता है तो ये एक्चुअली कैपेसिटी इसको सादा अल्फाज में जो लिखा हुआ है कैपेसिटी इज अ नंबर ऑफ बाइट्स अ स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड के कितनी नंबर ऑफ बाइट्स सेव कराई जा सकती हैं एक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर ठीक है तो अब उसमें हमने ये पहले भी एक चीज एक दफा ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं या टर्म्स हैं जिनका ताल्लुक स्टोरेज से है उनमें से किलो बाइट्स हैं जिस तरह अब किलो बाइट्स जो होती है वो एक्चुअली 1024 बाइट्स के बराबर होती है और इसको हम 2 की पावर 10 लिखते होते हैं ठीक है 10 24 जो है ये एक्चुअली इक्वल होता है 2 की पावर 10 फिर उससे जो बड़ा यूनिट है दैट इज मेगाबाइट 2 की पावर 20 इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं फिर जो उससे बड़ा है यूनिट दैट इज गीगाबाइट्स जो कि 10 की पावर 30 है फिर टेराबाइट आता है 2 की पावर 40 तो अभी तक जो हमारी डिवाइसेस ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम डेली बेसिस पे या डेली रूटीन में यूज करते हैं वो टेराबाइट्स वाली आ रही हैं जिस तरह आप हार्ड डिस्क टेराबाइट्स में लेते हैं 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट और इवन के जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स आती हैं यूएसबी ड्राइव्स जिनको आप बोलते हैं वो भी गीगाबाइट्स में आ गई हैं तो अभी तक जो हमारे पास डेली बेसिस पे या डेली रूटीन में काम करने वाली जो डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं या मीडियम्स ऐसे स्टोरेज मीडियम जो हम यूज करते हैं वो टेराबाइट्स वाले हैं इससे ज्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है अगर हम ज्यादा हार्ड डिस्क लगा लें जिस तरह जो सर्वर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो गीगाबाइट से जो बड़ा यूनिट है उसे हम पीटाबाइट्स कहते हैं वो 2 की पावर 50 होता है फिर हेक्साबाइट होता है 2 की पावर 60 फिर जीटाबाइट होता है 2 की पावर 70 और फिर योटाबाइट होता है 2 की पावर 80 तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसमें से सबसे कम जो फिलहाल हम यूज कर रहे होते हैं कि जो जब बहुत पुराने जो कंप्यूटर्स थे जब उसमें स्टोरेज की फैसिलिटी किलोबाइट्स में हुआ करते थे कि चंद बाइट्स आप सेव करा सकते थे
इवन कि हमारा जो अपना नाम है उसके अंदर अच्छी खासी बाइट्स कंज्यूम हो जाती हैं। तो जब हम एक पूरी सीरी बनाते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बाइट्स होते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी PDFs होती हैं या जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं वो MBs में होती हैं, वो किलो बाइट्स में नहीं होती, वो MBs में होती हैं, क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा डेटा उसमें सेव हो चुका होता है, इसलिए वो MBs में होती हैं। फिर जब जो हमारी फिर जो मूवीज़ होती हैं या जो सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स खासतौर पर वो भी मेगाबाइट्स में होते हैं, क्योंकि 5 मिनट का अगर गाना है तो वो मैक्सिमम क्या कितना उसमें फाइल कितना डेटा हो सकता है, वो ज़्यादातर MBs में होता है, 50 MB का, 100 MB का हो गया। इसी तरह कई दफ़ा जब आप अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ वगैरह आपने देखी होगी वो GBs में होती है। तो जो अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ होती हैं वो GBs में होती हैं, ताकि उनमें चूंकि ज़्यादा डेटा होता है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का इमेजेस होते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उनका साउंड होता है, तो अब साउंड भी उसमें होता है और फिर आपके पिक्चर्स भी होती हैं जिसको हम वीडियो कहते हैं, तो वीडियो भी असल में पिक्चर्स ही होती हैं। तो वो जो पिक्चर्स होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी के लिए फिर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा वो वाले कैमराज आपके इवन के मोबाइल फ़ोन में, जिन कैमराज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है, जब वो इमेज बनाते हैं तो इमेज का साइज़ बड़ा होता है, और जो कम रेजोल्यूशन वाले आपके कैमराज होते हैं जब वो पिक्चर बनाते हैं तो वो उस पिक्चर का साइज़ कम होता है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा था किस पर, रेजोल्यूशन पर, और जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना फिर आपका डेटा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसीलिए चूंकि अब हम तो डेली बेसिस पे हमने वीडियोस भी हम ला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर हम बहुत सारी PDFs डाउनलोड करते हैं, लेक्चर शेयर हो रहे थे जिस तरह आपस में, किसी ने लेक्चर स्लाइड शेयर कर दें, किसी ने PDF फॉर्म में शेयर कर दें, तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा डेटा चाहिए होता, तो फिर हम टेराबाइट्स को अक्सर प्रेफर कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमारी ज़्यादातर स्टोरेज मीडियम है वो टेराबाइट्स में आ रहे हैं। अच्छा जी, आइटम्स ऑन अ स्टोरेज मीडियम रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन यू टर्न ऑफ अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। टेराबाइट में कौन सी चीजें होती हैं? क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछें? ये कौन टेराबाइट कौन सी चीजें होती है? नहीं नहीं, टेराबाइट कोई चीज नहीं होती, टेराबाइट कैपेसिटी होती है कि भाई आप कितना ज्यादा डेटा आप सेव कर रहे हैं। नहीं सर, वो तो कैपेसिटी होती है ना, GB में मूवीज होती है ना, इस तरह TB में कौन सी फाइल्स हैं आजकल? TB में अगर मूवीज बहुत ज्यादा हो तो फिर हम उन्हें TBs में ले जाएंगे। अभी तक जो मूवीज बन रही हैं वो GBs में ही हैं। मतलब आपने ब्लू रे में मूवीज अगर देखी हैं, ब्लू रे का पता है ना सबको? यस सर। ब्लू रे जो मूवीज हैं वो ज्यादातर 16 GB या 20 GB तक गई हैं, ठीक है, इससे बड़ी मूवीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो समय इतनी बड़ी मूवी भी होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतने GB भी ऐसा बहुत बड़ी बला है ना। ये तो अभी आपको कितने GB, 1 GB 2 की पावर 30 नजर आ रहे हैं, सामने नंबर लिखा हुआ है 10737418 24। अब अगर इसको आप पढ़ें तो 1 करोड़ों में बन रहा है ना, लाखों करोड़ों में बाइट्स चली जाएंगी। अब 16 GB का क्या मतलब है, 16 × 2 की पावर 30, तो ये जो इसके साथ नंबर लिखा हुआ है इसके साथ 16 मल्टीप्लाई करें तो कहानी कहाँ चली जाएगी, तो ये अच्छा खासा बड़ा नंबर हो जाता है। तो टेराबाइट्स में अभी तक कोई ऐसी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती जो कोई एक ऐसी फाइल हो जो टेराबाइट की हो, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हाँ, अब जिस तरह जी आपके जो सिनेमा घर हैं वो जब मूवीज रखते हैं तो उनके पास मूवीज बड़ी बड़ी कई कई 20 GB की उनके पास मूवीज आएंगे। अब वो अगर ज्यादा मूवीज रखेंगे, यानी कि उन्होंने अगर 100 मूवीज रखनी है और हर एक मूवी 20 GB की है, तो कहानी कहाँ जाएगी आपके ख्याल में? 20 GB की एक मूवी हो और उन्होंने 100 मूवीज सेव करनी हो तो कितने GB बने? 2000 GB ना, कितने बने? यस सर, 2 TB हो गया सर जी, 2 TB हो गया। तो 1000 GB इज एक्चुअली 1 TB और 2 TB, तो अब 100 मूवीज। अब जिस तरह आप जाते हैं, ये कौन से सिनेमा घर आपने देखे होंगे, सनीपैक्स है या वो डेली
वो सनीपैक्स से लेट से तो वो मूवीज जो लेके आ रहे हैं अब वो तो जाहिर है उनका तो बिजनेस है, उन्हें हमने तो 100 बहुत कम जिक्र किया है, वो तो पता नहीं कितनी मूवीज एट अ टाइम उनके पास पड़ी होती हैं, तो वो सारी की सारी मूवीज अगर उन्होंने सेव करनी हो तो उनको फिर टेराबाइट्स में डेटा चाहिए होगा, और कल को कुछ अरसे बाद 5 साल बाद 10 साल बाद उनका जब ज्यादा बढ़ जाएगा डेटा तो फिर उनको शायद टेराबाइट से ज्यादा पेटाबाइट्स की तरफ जाना पड़े, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, वो फिर ज्यादा टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क लगाएंगे ताकि उनकी मूवीज सेव हो सके। तो पॉइंट समझ आया? ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अब ये जो स्लाइड है इसमें वो कह रहा है कि अब ये जो स्टोरेज मीडियम होता है ये जरूरी नहीं होता कि ये सिर्फ हमारे पीसी में ही हो, ये हमारी मोबाइल डिवाइस में भी तो हो सकता है ना, जिस तरह हमारे मोबाइल डिवाइस में वो हम कहते हैं जी अच्छा कितनी मेमोरी है तो आप बताते हैं जी इतने जीबी की मेमोरी है, ठीक है ना, मेमोरी मींस के आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, तो हर एक के फोन की डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से आप उसके चार्जेस भी वेरी कर रहे होते हैं। तो इस स्लाइड में वो ये कह रहा है कि जो आइटम्स है, आइटम्स जब भी इस स्लाइड में आइटम्स का जिक्र है तो समझे वो आपका डेटा है, वो डेटा आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो आइटम्स ऑन अ स्टोरेज मीडियम के जो डेटा है वो स्टोरेज मीडियम के ऊपर रिमेन करता है, रहता है, वो हमेशा स्टे करता है, वो हमेशा डेटा रहता है। कब तक रहता है? अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस ऑफ भी हो जाए तब भी वो सेव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो परमानेंट होता है, ठीक है जी, ये परमानेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, हमेशा डेटा सेव रहता है। अब जिस तरह उसने नीचे इस एक छोटी सी पिक्चर बनाई, उसने कहा जी ये ऑन ऑफ होता है कि स्टेट ऑफ कंप्यूटर के अगर आपने ऑन की है तो ऑन के केस में स्क्रीन क्या होगी, स्क्रीन डिस्प्ले होगी, अब स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है, और नीचे अगर आपने ऑफ कर दिया तो कंप्यूटर इसका मतलब है ऑफ रहेगा, स्क्रीन ऑफ हो गई, तो ये वोलेटाइल नेचर हो गई आपकी स्क्रीन की। कंप्यूटर अगर बंद होगा तो आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं नजर आएगा, कंप्यूटर ऑन होगा तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। इसी तरह साथ जो थर्ड कॉलम है उसमें बताया हुआ है कि रैम का, रैम की शेप बनाई हुई है उन्होंने, पिक्चर दी हुई है, तो कहते हैं जी रैम में डेटा कब तक होगा अगर पीसी ऑन होगा, अगर आपने पीसी ऑफ कर दिया तो रैम से डेटा निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिस तरह नीचे वाले केस में उसने नीचे कुछ रैम की पिक्चर के नीचे कहा हुआ है कि ये डेटा खत्म हो जाएगा। और जो लास्ट वाला कॉलम है सबसे राइट मोस्ट, उसमें वो कह रहा है कि आपका जो स्टोरेज मीडियम है दिस इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है कि अगर लाइट ऑफ भी हो जाए, अगर आप पीसी बंद भी कर दें, मोबाइल फोन बंद भी कर दें या कोई डिवाइस बंद भी कर दें तो आपका डेटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा परमानेंटली सेव किया जाता है कि वो डिलीट नहीं होता। पीसी ऑफ होने पे डिलीट नहीं होता, हाँ अगर आप खुद चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, तो पीसी ऑफ होने पे चीजें डिलीट नहीं होती, जब ऐसा होता है तो हम उसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। लॉजिक क्या है सर इसके पीछे? उसे तो सप्लाई नहीं मिलती, वो तो डिलीट होना चाहिए, और अगर डिलीट हो गया तो फिर तो स्टोरेज मीडियम का पर्पज ही फोत हो गया ना। हम असल में तो स्टोरेज मीडियम चाहते क्यों थे, जिस तरह हमारे देखो ना अल्लाह ताला ने हमारी एक मेमोरी बनाई है, कुछ दो तरह की मेमोरी, एक वो मेमोरी जो परमानेंट सेव हो जाती है और एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, जिस तरह आप डेली बेसिस पे बहुत सारे चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन वो चेहरे अगर आपको कोई रात को बंदा पूछे कि यार आज पूरे दिन में जितने आपने लोगों के चेहरे देखे हैं या जो चीजें आपने देखी हैं उन सारी चीजों को बारे में बयान करो और बताओ कितने चेहरे आपको याद हैं या कितनी बिल्डिंग्स की शेप्स आपको याद हैं, बिल्डिंग्स भी बेतहाशा देखते तो कितनी की शेप्स आपको याद हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो चंद चेहरे याद हैं। इसका मतलब है आपकी एक ऐसी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें चंद चेहरे याद होंगे, वो वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके, मतलब आपको आपको अगर कोई कहे ना कि आपका फादर, आपके सामने आपके फादर का, मदर का, बहन भाइयों का जिक्र करें तो आपके जहन में फौरन की पिक्चर आ जाएगी। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनल आपके होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे देखते हो जो आपकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो फौरन आपके जहन में उनकी पिक्चर आ जाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि शब्बीर कौन है जी, अब शब्बीर कौन है आपको तो नहीं पता, तो
तो आपके जहन में कभी उसकी पिक्चर नहीं आती, हो सकता है वो सारा वो पूरे दिन में आपके साथ दो तीन दफा मिला भी हो लेकिन आपको उसकी शक्ल जहन में नहीं होगी। अगर शक्ल जहन में बैठी हुई ना, इसका मतलब वो परमानेंट स्टोरेज है। इसी तरह कंप्यूटर में जब हम डाटा रखना चाहते हैं तो कहते हैं यार जी मैं बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकूं, कि बाद में अगर जी मुझे डेटा चाहिए, मुझे सीवी चाहिए तो मैं दो हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद मुझे चाहिए, दो महीने बाद चाहिए, तो मैं वो डेटा वापस ले सकूं। उसके लिए हम हमेशा ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो परमानेंट डेटा स्टोर करे। फिर वो जो परमानेंट डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस है ना, वो ऐसी बनाई जाती है, वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है कि जिसमें अगर सप्लाई बंद भी हो जाए तो वो डेटा डिलीट नहीं करती। तो ये असल में वो बनाई ही ऐसी गई है, ठीक है ना, वो बनाई ही ऐसी गई है कि जिसमें डेटा डिलीट नहीं हो सकता, और हम करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमने बनाई उसे इसलिए कि इसमें डेटा डिलीट ना हो। क्लियर होगी बात? जी सर। अब जो रैम है ना, वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है कि जिसमें हम सप्लाई बंद करते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार इसमें तो अगर सप्लाई बंद भी हो जाए ना तो हमें डेटा नहीं चाहिए, वो बनाई ऐसी गई है। इसी तरह जो स्टोरेज मीडियम है वो बनाई ऐसे गया है कि जिस तरह फ्लैश ड्राइव है, अब वो बनाई ऐसी गई है जिसे आप यूएसबी ड्राइव कहते हैं अक्सर, तो वो बनाई ऐसी गई है कि उसमें से डेटा डिलीट ना हो, ताकि एक जगह से एक पीसी से डेटा कॉपी किया तो दूसरे पीसी तक लेके जा सके। आप पता चला कि हमने एक पीसी से डेटा कॉपी किया लेकिन जैसे ही मैंने यूएसबी उतारी है यूएसबी ड्राइव तो डेटा डिलीट हो गया, जब मैं दूसरे पीसी में लेके जाऊंगा पता चले ये तो खाली पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है उस यूएसबी ड्राइव का पर्पज ही फौत हो गया जी। तो इसलिए ये बनाई ऐसी गई। ओके जी। अच्छा ये आपको बात समझ आ गई ना कि रीड राइट क्या होता है, कि जब हम कहते हैं कि रीड करो और राइट करो हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो हार्ड ड्राइव से डेटा पढ़ना इज रीडिंग और उस पे डेटा सेव करना इज राइटिंग। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्विज में पूछी जा सकती। अच्छा अब इस उसी टॉपिक से रिलेटेड ये एक चीज आ गई है, एक्सेस टाइम। ये टर्मिनोलॉजी है कि एक्सेस टाइम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस टाइम मेजर्स, ये क्या मेजर करता है, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक अ स्टोरेज डिवाइस टू लोकेट एन आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम। अच्छा ये अब आपने समझना है। अच्छा देखें, आप हार्ड डिस्क लेके आए वो 1 टेराबाइट की थी, तो 1 टेराबाइट की समझें कि भाई बहुत ज्यादा ये जगह अवेलेबल है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको भरना शुरू किया, ठीक है, उसमें डेटा रखना शुरू किया, तो उसमें से तकरीबन 500 जीबी आपकी हार्ड डिस्क जो है वो इस्तेमाल हो गई। अब जब आप कंप्यूटर से कहते हैं ना कि भाई ये वाली फाइल ओपन कर दो, वो हो सकता है आपका लेक्चर हो, आप लेट्स से फिजिक्स का लेक्चर आपने आज पढ़ना है, तो आपने उस पर डबल क्लिक किया, तो अब आपका कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो लेक्चर है वो हार्ड डिस्क में कहां पड़ा हुआ है वो उसे सर्च करेगा। आपके कंप्यूटर ने हार्ड डिस्क पे 500 जीबी में डेटा जो पड़ा, 500 जीबी का जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें वो ढूंढेगा कि ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। उस डेटा के ढूंढने को में उसे टाइम लगेगा। ये मेरी बात आप सब समझ रहे हैं, आपके जहन में पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही? जी जी सर समझ आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 500 जीबी का डेटा पड़ा हुआ है, उस 500 जीबी के डेटा में से एक लेक्चर आपने डबल क्लिक किया कि भाई ओपन हो जाए, और वो आपने उस 500 जीबी के डेटा में से एक फाइल आपने ढूंढनी है, आपके कंप्यूटर को टाइम लगेगा वो वाली फाइल ढूंढने में। वो जो आपको टाइम लग रहा है फाइल ढूंढने में उसे हम एक्सेस टाइम कह रहे हैं, उसको हम एक्सेस टाइम कह रहे हैं। ये बात समझ आ गई? आ गई है सर। अच्छा ये अभी एक्सेस टाइम का ना एक हिस्सा है,
ठीक है, टाइम असल में हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था, एक टाइम हमें ये लग रहा है कि हमने हार्ड डिस्क से फाइल को सर्च किया, और वो इसमें इसने कैसे बयान किया हुआ कि द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स अ स्टोरेज डिवाइस टू लोकेट एन आइटम, कि ये लोकेट करना, ये स्टोरेज आइटम लोकेट करेगी कि भाई ये जो आपने लेक्चर ओपन करना था ये इधर पड़ा हुआ है, उस लेक्चर को ढूंढने पे जो टाइम लगा वो टाइम, और यानी कि इसमें ऐड कर लो, प्लस कर लो, और टाइम कौन सा, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर एन आइटम फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, और उस हार्ड डिस्क से एक तो आपने ढूंढा। अब ये देखें, एक्सेस टाइम में असल में दो चीजें हैं, एक टाइम है आपका ढूंढने का और एक टाइम है आपका ढूंढ कर वहां हार्ड डिस्क से लेकर प्रोसेसर तक डेटा पहुंचाने में, ये दो टाइम है आपके, ये बात समझ आई आपको? ये बात आपको सर आगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम ऐसे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपसे कहता है कि आपने ना अपने घर में एक स्टोर रूम है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपने चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, रैंडमली उसमें चीजें पड़ी हुई हैं। अब आपसे मैं कहता हूं कि भाई ऐसा करो, ये कोई पुराने जमाने का ना कोई टेबल अगर कोई पड़ा हुआ है आपके घर में तो वो मुझे ला दो, ठीक है। अब लेट से सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टोर रूम में जाएंगे और ढूंढेंगे कि पुराने जमाने वाला टेबल कौन सा, क्योंकि कुछ नए जमाने के भी टेबल पड़े होंगे और कुछ दूसरे पड़े होंगे। ये बात आपको समझ आई? जी सर। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, ढूंढा, सर्च किया कि ये टेबल कहां पड़ा हुआ है, और ये टाइम लगेगा इस पे ढूंढने पे, हो सकता है 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, टाइम लगेगा जी। फिर दूसरा टाइम क्या लगेगा, जब आपको मिल गया, अब आप स्टोर रूम से लाकर मेरे तक लेकर आएंगे तो ये भी तो टाइम लग रहा है ना, तो ये जो टाइम है, दिस टाइम और ये जो सर्च करने का टाइम है, ये दोनों जब आप ऐड कर देंगे कि टोटल इतना टाइम लगा है, इसको हम कहेंगे दिस इज एक्सेस टाइम। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपसे मैं कहता हूँ यार आपका जब बाजार चक्कर लगे तो मेरे लिए ना ये बुक ले आना, लेट्स से कंप्यूटर की बुक ले आना। आप सबसे पहले गए बुक स्टोर पर, अब बुक स्टोर पर आप चले गए तो क्या आप वहां जाकर बुक ढूंढेंगे पहले, कितने लोग वहां जाकर बुक ढूंढेंगे? देखें आपको जो बुक चाहिए या मुझे चाहिए थी, या तो आप खुद ढूंढेंगे या आप वो जो बंदा उधर काम कर रहा है आप उसे कहेंगे यार ये ढूंढ दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लोकेट की कि बुक कहाँ पड़ी हुई है, तो ये लोकेट करने का जो टाइम लगा, इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, इसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, एक तो ये टाइम हो गया। फिर जब आपको वो मिल गई, फिर आपने वहां से उठाई और मेरे तक लेकर आए, मैं लेट्स से यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, आप उस बुक शॉप से वो बुक उठाई आपने और वो आपने मेरे तक पहुंचाई, उसमें एक दिन भी लग सकता है कि आप रात को गए थे और अगले दिन आपने वो मुझे शाम को डिलीवर कर दी, तो इसमें टोटल टाइम कौन सा, इसको हम कहेंगे दिस इज एक्सेस टाइम। तो इसमें कौन कौन सा टाइम आ रहा है, वो वाला टाइम जो फाइल को लोकेट करने में या सर्च करने में लगा, और दूसरा जो टाइम है वो वहां से डेटा लेकर प्रोसेसर तक, जैसे मैं प्रोसेसर था और मेरे तक आपने डेटा पहुंचाना था, तो वहां से बुक शॉप से लेकर आपने मेरे तक जो डेटा या बुक पहुंचाई है, इस पे जो टाइम लगा, ये दोनों टाइम्स आप ऐड कर देंगे तो हम इसको एक्सेस टाइम कहेंगे। अब इसको टेक्निकल टर्म में देख लें कि जब हार्ड डिस्क पे एक फाइल को सर्च करने पे या लोकेट करने पे जो टाइम लगा, ये टाइम प्लस हार्ड डिस्क से लेकर प्रोसेसर तक ये फाइल पहुंचाने में, ये दोनों पे जो टाइम लगा, इन दोनों के सम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक हो गया?
जी सर। अब ये जो आपकी डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइस भी है और आपकी दूसरी मेमोरी भी है, इनके डिफरेंट एक्सेस टाइम है। अब जिस तरह ये राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें उन्होंने एरो लगाया हुआ कि जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो फास्टर ट्रांसफर रेट आएगा और एक्सेस टाइम भी उस केस में कम होगा, और जहाँ नीचे जो है स्लो ट्रांसफर रेट होगा तो इसमें एक्सेस टाइम ज्यादा होगा। जितना आप स्लो ट्रांसफर करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, जितना आप जल्दी ट्रांसफर करेंगे टाइम कम लगेगा। इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप ऊपर देखें मेमोरी है, मेमोरी में रैम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रैम में डेटा जल्दी ट्रांसफर होगा, तो रैम का जो एक्सेस टाइम है वो कम होगा। जितना जल्दी आप डेटा ट्रांसफर करेंगे उतना टाइम कम लगेगा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। आई रिपीट, जितना जल्दी जितना फास्ट आप डेटा ट्रांसफर करेंगे उतना आपका एक्सेस टाइम कम होगा, ठीक है। अब अगर आप स्टोरेज मीडियम में आ जाएं तो एक एसएसडी होती है, एक एसएसडी का एक्सेस टाइम रैम से कम होता है, सॉरी रैम से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन बाकियों से कम होता है। हार्ड डिस्क जो होती है उसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस एस डी, क्योंकि ये स्लो होती है, हार्ड डिस्क जो होती है ये स्लो होती है एस एस डी, और जो यूएसबी होती है वो कह रहे हैं जी ये और स्लो होती है। आपने अक्सर देखा होगा हार्ड डिस्क पे अगर आप एक फाइल हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क ट्रांसफर करें तो वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जब आप वही फाइल यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि उसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है। इसी तरह जो मेमोरी कार्ड होता है उसका एक्सेस टाइम और ज्यादा होता है, और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसे आप सीडी रोम कहते हैं या सीडी कहते हैं, उस पर जब आप डेटा राइट करते हैं या सेव करते हैं तो उसका एक्सेस टाइम और बढ़ जाता है, यानी कि जब आप उससे डेटा रीड करते हैं, आपने सीडी रोम में सीडी डाली और आपने मूवी प्ले की, तो अब वो क्या होगा, वो बहुत देर से सबसे पहले तो लोकेट करेगी और फिर प्रोसेसर तक पहुंचाएगी, जिसका मतलब उनका एक्सेस टाइम जो है वो ज्यादा है। एक्सेस टाइम ज्यादा होने की वजह क्या है, वो डाटा को स्लोली ट्रांसफर करती है, तो जो चीज जितना स्लो डाटा ट्रांसफर करेगी उसका एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, और जो जितना फास्ट डाटा ट्रांसफर करेगी उसका एक्सेस टाइम कम होगा। अच्छा जी, अब हार्ड ड्राइव का जिक्र आ गया, तो हार्ड ड्राइव इज आल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको इसलिए आपने अक्सर उसको HDD लिखा होगा, HDD लिखा हुआ देखा होगा, तो जहां भी आपने इसको देखा है। तो हार्ड डिस्क कंटेन्स वन आर मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स, ये आपको अगर ये डायग्राम नजर आ रही है, ये वाली, ये जो डायग्राम है ये वाली, ये वाली नजर आई जी, ये वाली। अब इसमें अगर देखें तो ये आपको गोल से सर्कल कुछ नजर आ रहा है, ये गोल सा, ये प्लेटर्स होते हैं, ये प्लेट्स कह लें, ये सर्कल में प्लेट्स होती हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं एक्चुअली डेटा इनके अंदर सेव होता है। और यहाँ ये आपको नजर आया कुछ, ये तो ये गोल वाली प्लेट्स हैं, ठीक है, ये गोल वाली, ये गोल वाली प्लेट्स हैं और इनके ऊपर ये लगा हुआ है आपका, ये एक हैंडल सा लगा हुआ है, इसको नॉर्मली हम हेड कहते हैं। ये आपके इन सर्कल से या ये जो प्लेटर्स होते हैं इनमें से डेटा रीड कर रही होती है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी? यस सर, क्लियर। अच्छा जी, अब ये क्या होता है जी, ये कंटेन वन और मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू स्टोर डेटा। अब ये जो प्लेटर्स होते हैं इन जिन पे एक्चुअली डेटा सेव होता है, ये असल में मैग्नेटिक चीज के बने थे। मैग्नेट्स का पता होगा ना, जिसपे साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं, मैग्नेट जो होता है, तो ये असल में, अब जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना, ये असल में उनके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको यूज करते हुए डेटा को स्टोर करते हैं। और आपको पता है जो मैग्नेट होता है वो बिजली हो या ना हो
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर खत्म नहीं होती, वो पावर उसके अंदर हमेशा रहती है। तो इसलिए जो हार्ड डिस्क हैं वो बनाई मैग्नेट से असल में बनाई गई हैं, ताकि जब हम उसमें डेटा खास तरीके से सेव करें तो वो कभी भी डिलीट ना हो। अच्छा, the storage capacity of hard disk varies and it is determined by, अब वो कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा वेरी करती है, कोई आपकी 500 जीबी की हार्ड डिस्क होगी, कोई 250 की होगी, कोई 800 जीबी की होगी, कोई 1 टेराबाइट की होगी। ये कैपेसिटी चेंज हो रही होती है, ये चेंज किस बेस पे हो रही होती है, ऐसा क्या उसमें होता है कि वो वेरी कर रही होती है। नंबर ऑफ प्लेटर्स द हार्ड डिस्क कंटेन, अब एक हार्ड डिस्क में कितने प्लेटर्स हैं उसकी बेस पे ये डिसाइड होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर एक प्लेटर होगा तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, दो प्लेटर होंगे कैपेसिटी बढ़ गई, तीन हो जाएंगे कैपेसिटी और बढ़ गई, चार हो जाएंगे कैपेसिटी और बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि ये जितनी बड़ी कैपेसिटी की आप हार्ड डिस्क ले रहे हैं, असल में उसमें वो सर्कल वाले सर्कुलर प्लेटर्स लगे हुए वो ज्यादा होते हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उतने आपके कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कम होंगे तो कैपेसिटी कम होगी। और इसके अलावा उसके जो आपके प्लेटर्स हैं वो डेटा की जो रिकॉर्डिंग है वो किस फॉर्मेट में रीड करते हैं या राइट करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो डेटा जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक्चुअली डेटा को सेव कैसे कर रहे होते हैं, उनका वो सेव करने का तरीका भी ये डिसाइड कर रहा होता है। कि हो सकता है दो ऐसी हार्ड डिस्क हों जहाँ जिनमें प्लेटर्स जो हैं वो एक ही लगे हुए हैं, कि दो हार्ड डिस्क हैं उनमें प्लेटर एक ही है, दोनों में एक एक प्लेटर है, लेकिन एक प्लेटर जो है वो और तरीके से डेटा सेव कर रहा है, दूसरा जो आपका प्लेटर है वो दूसरे तरीके से डेटा सेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा अच्छे तरीके से सेव कर रहा होगा उसमें ज्यादा कैपेसिटी होगी। और इसी तरह डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है कि डेंसिटी कितनी है, वो प्लेटर कितना मोटा है, उस मोटे से ये फर्क पड़ता है जो मैग्नेट ज्यादा लगा देते हैं उसके अंदर। तो जितने ज्यादा आप एक प्लेटर के अंदर मैग्नेट ज्यादा लगा देंगे तो उससे भी आपका हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली ये तीन ऐसे आइटम्स हैं जिनकी बेस पर ये डिसाइड होता है कि किसी भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है। सर एक प्लेटर पे कितने मतलब हो सकती है डेटा सेव? ये भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि ये वेरी कर रहा होता है। हर जो पुरानी आपकी हार्ड डिस्क थी वो देखे ना, पुरानी हार्ड डिस्क और अभी वाली हार्ड डिस्क उनका साइज तकरीबन एक जैसा है, लेकिन पुरानी जो हार्ड डिस्क होती है उनकी कैपेसिटी कम थी, लेकिन अभी उसी साइज में जो हार्ड डिस्क आने लग गई है उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है जो पुरानी हार्ड डिस्क के प्लेटर्स थे उनके एक प्लेटर की कैपेसिटी कम थी, अभी जो हार्ड डिस्क हैं उनके एक प्लेटर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो उस दौर में एक प्लेटर की कैपेसिटी कितनी थी और अभी कितनी है। इस वो नॉर्मली टोटल वो लिखते भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं ये सिर्फ उनको पता होता है, जो हार्ड डिस्क बना रही होती है ये सिर्फ उनको पता होता है। नॉर्मली वो सिर्फ ऊपर एक ही बड़ी चीज ही लिख देते हैं कि भाई ये टोटल जो इसमें कैपेसिटी है ना सारे प्लेटर्स की मिलाकर वो इतने जीबी की है या इतने टेराबाइट्स की, वो खुल के नहीं बताते। हाँ, अगर किसी ऐसी कंपनी में आपका जाने का कभी इत्तफाक हो जो ये हार्ड डिस्क बनाती हो तो उनके इंजीनियर से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि हम एक प्लेटर जो बना रहे होते हैं उसकी एक्सेल में टोटल कैपेसिटी हम कितनी रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग होती है, आप ये जिस तरह ये आपको नीचे एक हार्ड डिस्क नजर आ रही है और इस हार्ड डिस्क में से उसने अब एक प्लेटर उठाया कि भाई एक प्लेटर है ना वो ऐसा होता है, इस एक प्लेटर के अंदर हमारे इस तरह सर्कल्स बने होते हैं, काफी सारे सर्कल्स बने होते हैं, इन सर्कल्स को हम ट्रैक्स कहते हैं, जिस तरह ये ट्रैक लिखा हुआ है ना, ये वाला ट्रैक। अब ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक असल में क्या है, ये पूरा सर्कल है, एक सर्कल को एक ट्रैक कहेंगे, और ज्यादा सर्कल होंगे जिस तरह ये आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं ब्लैक वाले, तो ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर ट्रैक्स। फिर इन ट्रैक्स में से हमने क्या किया होता है, ऐसे ये आपको ये वाली ऐसे लाइन्स नजर आ रही हैं, ये लाइन्स जो हैं ये लाइन्स इन बड़े ट्रैक्स को ब्रेक कर देती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दैट इज अ क्लस्टर, सेक्टर,
सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे सर। क्लस्टर, क्लस्टर थोड़ा सा बड़ा होता है। असल में क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू आइटम्स या मोर देन वन आइटम्स, ठीक है। तो ये लेट से मैं इतना पोर्शन, ये जो मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कोई ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये नजर आया आपको कलर कोई या नहीं, रेड कलर कोई? जी सर, येलो, जी सर, ब्लू। अच्छा, फर्ज करें मैंने ये वाला, ये येलो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो 16 नंबर के आसपास ये भी मैंने इतना जो सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम क्या कह रहे होंगे, ये असल में जो ट्रैक्स थे ना, ट्रैक्स को एक चीज ने ब्रेक किया, ये जो लाइन हमने लगाई दरमियान में, इन ट्रैक्स को, ये जितने भी ट्रैक्स टूटे इस लाइन में, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि दिस इज अ क्लस्टर, ठीक है। ये क्लस्टर ऐसे भी ये क्लस्टर बन रहा है, और जिस तरह आप ने ये जो आपको नजर आ रहा है क्लस्टर, ये ऐसे भी क्लस्टर बन सकता है। असल में क्लस्टर का मतलब ये है कि एक से ज्यादा इसमें सेक्टर्स आते हैं। तो असल में जैसे इसमें सर 18 क्लस्टर है, 18 जी आप कह सकते हैं कि इसमें तकरीबन 18 क्लस्टर है। तो एक जो सेक्टर होता है वो असल में एक ट्रैक और क्लस्टर का, असल में उसको जो ब्रेक डाउन कर रहा होता है, जो एक ये लाइन बन रही है, जिस तरह ये आपको नजर आई सेक्टर की, ये जो एक रो कह लो, एक पूरे क्लस्टर में जो एक रो है, इसको हम एक सेक्टर कहते हैं। और मल्टीपल सेक्टर्स मिलकर आपस में क्लस्टर बनाएंगे, और जो क्लस्टर्स हैं उन सब के कम्बिनेशन से फिर पूरी आपकी एक हार्ड डिस्क का प्लेटर बनेगा। तो नॉर्मली हमने क्या किया होता है, हमने असल में ट्रैक्स बनाए होते हैं, उन ट्रैक्स में हम ये ऐसे इनको ब्रेक करते हैं यूजिंग दीज लाइंस, ये जो रेड और येलो में मैंने ऐसे ड्रॉ की थी, और फिर उनको हम मजीद क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो जो हम एक फाइल सेव करते हैं वो असल में एक क्लस्टर में जाके सेव होती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका एक सेक्टर में सेव होती है आपकी जो एक फाइल होती है ना, जो आप MS Word की या PDF सेव करते हैं, तो अगर तो वो बहुत छोटे साइज की है, या समटाइम आपने नोट पैड यूज किया, अगर नोट पैड का अगर एक फाइल या डेटा सेव करते हैं, तो वो जब सेव होती है तो वो मिनिमम उसकी एक कैपेसिटी है, वो एक सेक्टर के अंदर जाके सेव होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसका जो एक सेक्टर होता है उसकी कैपेसिटी 1 KB होती है, 1 KB। तो अगर आपका डेटा 1 KB या 1 KB से छोटा होगा तो हमेशा एक सेक्टर पूरा कंज्यूम करेगा, तो पूरा एक सेक्टर कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? अगर आपका डेटा 1 KB का या 1 KB से थोड़ा है तो वो हमेशा एक सेक्टर पूरा कंज्यूम करेगा, और सेक्टर की जो कैपेसिटी है दैट इज 1 KB। बट ठीक है जी, जी सर, जी सर, टाइम एक मिनट। हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क के अब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कुछ खास चीजें हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हार्ड डिस्क से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, जिसमें ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स में हमने देखा कि वो पूरे सर्कल्स जो हम ड्रा करते हैं, फिर सेक्टर्स हो जाते हैं, क्लस्टर्स, सेक्टर असल में एक छोटा पोर्शन है, जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो छोटा पोर्शन जिसके अंदर हमारा डेटा सेव हो रहा होता है, उसे हम एक सेक्टर कहते हैं। जब हम अगर हम फॉर एग्जांपल डेटा सेव करा रहे हैं और हमारा 2 KB का डेटा है, तो एक फाइल है जिसका साइज है 2 KB, उसमें जो डेटा है वो 2 KB है, तो वो असल में हार्ड डिस्क पे कितने सेक्टर्स कंज्यूम करेगी आपके ख्याल में? अगर एक फाइल का डेटा 2 KB का होगा तो वो हार्ड डिस्क पे टोटल कितने सेक्टर्स लेगी? दो सर जी, दो लेगी। इसी तरह अगर वो 10 KB हो जाएगा तो वो 10 सेक्टर्स लेगी, क्योंकि मिनिमम जो कैपेसिटी है या हमारे एक सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो हमेशा 1 KB है, ठीक है जी? ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स में हमने देखा ये सारी कहानी प्लेटर्स की है असल में। फिर फॉर्म फैक्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह प्लेटर्स के कम ज्यादा होने से
कैपेसिटी पे फर्क पड़ रहा है, फिर वो प्लेटर किस चीज से बना है, वो फॉर्म फैक्टर क्या है, कि वो मटेरियल कौन सा था वो, क्योंकि आपने अक्सर ये भी देखा होगा ना जो मैग्नेट्स होते हैं, कोई अच्छी नस्ल का मैग्नेट होता है, कोई बुरी नस्ल का मैग्नेट होता है, तो वो किस मैग्नेट से बना हुआ है इससे भी फर्क पड़ता है। तो फॉर्म फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लेटर का, तो उससे भी कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। फिर रीड राइट हेड होता है, जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये जो प्लेटर्स होते हैं इन पर डेटा सेव तो हो जाता है, लेकिन सेव होने के बाद कल को आपने डेटा रीड भी करना होगा और मजीद राइट करना होगा, तो ये मजीद राइट और रीड असल में करवाता कौन है, ये हमारा रीड राइट हेड होता है एक, वो करवाता है। और इसी तरह रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि ये जो प्लेटर्स होते हैं ये असल में घूमते हैं, और ये अगर स्लो घूमेंगे, इनकी रेवोल्यूशन अगर कम होगी यानी कि स्लो घूमेंगे तो हमारी हार्ड डिस्क स्लो होगी, उसमें डेटा एक्सेस करने में या डेटा को लाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर वो फास्ट घूमेंगे तो इसका मतलब वो जल्दी जल्दी एक्सेस हो सकता है डेटा, जल्दी डेटा लोकेट हो सकता है, जल्दी डेटा रीड हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हार्ड डिस्क की क्योंकि एक छोटी छोटी आइटम्स हैं, इन सब से मिलकर असल में हार्ड डिस्क की पूरी एक कैपेसिटी या उसकी एक अच्छी क्वालिटी जनरेट होती है कि भाई किस क्वालिटी की आपकी हार्ड डिस्क है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ हार्ड डिस्क ऐसी होती है उनका उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है लेकिन उनकी जो स्पिनिंग, ये असल में जो रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ ना, ये असल में स्पिनिंग कैपेसिटी होती है, ये स्पिनिंग स्लो होती है। उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि वो 1 TB की स्टोरेज होगी लेकिन उसकी रेवोल्यूशन या घूमने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, तो वो स्लो चलेगी। लेकिन कुछ ऐसी हार्ड डिस्क होती हैं जो कहा जाता है कि ये 1 TB की नहीं है बल्कि ये 800 GB की है, ठीक है, ये 1000 से कम है, 800 GB की है, लेकिन इसके जो प्लेटर्स है उनके घूमने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब उसमें से यानी कि उन जो प्लेटर्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से जल्दी घूम रहे हैं, उनकी स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब है कैपेसिटी तो उसकी कम है लेकिन प्लेटर्स के घूमने की स्पीड ज्यादा है, इसलिए इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो फास्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जब आप हार्ड डिस्क खरीदने जाएं तो आप ये चीजें कंपेयर करें। तो असल में आपने दो चीजें, जब भी आप हार्ड डिस्क परचेज करने जाएं तो दो चीजों का कंपैरिजन लाजमी किया करें, एक तो ये कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, दूसरी ये कि जो इसकी स्पिनिंग कैपेसिटी है या स्पिनिंग स्पीड है वो कितनी है। याद रखें जिसकी स्पिनिंग कैपेसिटी या स्पिनिंग रेट ज्यादा होगा वो हार्ड डिस्क डेटा फास्ट देगी, उसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो फास्ट होगा। वो आपको ऐसे फील होगा यार मेरा कंप्यूटर या मेरी हार्ड डिस्क है ये फास्ट चल रही है। हाँ, उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है कि वो बजाय 1 TB के वो 800 GB की हो, वो 900 GB की, 850 GB की, लेकिन अगर अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको स्पीड ज्यादा चाहिए या आपको कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो जो ज्यादा कैपेसिटी की होगी हार्ड डिस्क उनकी जो रेवोल्यूशन पर मिनट है ये कम होगी, ये थोड़ा सा इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है जी। ये बात सबको क्लियर हो गई? जी सर। सर रीड एंड राइट रिपीट कर दो। अच्छा, रीड एंड राइट असल में ये मैं इधर ये बताता हूँ कि ये देखें, ये पिक्चर आप सबको नजर आ रही है, इसमें ये जो नीचे येलो सा नजर आ रहा है, येलो सी रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये असल में आपका प्लेटर है, ये वाला, आई होप आपको नजर आ सके। ये जो नीचे है दिस इज योर प्लेटर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर ये हेड लगा हुआ है, ये वाला, ये हेड लगा हुआ है। इस हेड का काम होता है इस प्लेटर से डेटा को रीड करना, कि फाइल लेकर आना, लेक्चर की फाइल लेकर आनी है, प्रोसेसर तक पहुंचानी है, तो प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए इसको रीड करना जरूरी है। तो ये हेड जो है, रीड राइट हेड इसको बोलते हैं, ये इस प्लेटर से डेटा रीड भी कर सकता है और इस प्लेटर पर दोबारा डेटा राइट भी कर सकता है, ठीक है। और इसी का काम है डेटा को रीड करना भी और राइट करना। अब इसके साइड पे ना आपको कुछ ये चीजें नजर आ रही हैं, ये वाले, ये जो सर्कल्स वाली है, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हेयर, ये जो आपका बाल होता है ये देख लें, ये मोटा होता है प्लेटर से, ठीक है। आपका जो बाल होता है ये प्लेटर से मोटा होता है
और ये जो डस्ट पार्टिकल है ये आपके बाल से भी छोटा होता है, ये प्लेटर के बराबर होता है। ये स्मोक जो आप करते हैं इसका पार्टिकल डस्ट से तो छोटा होता है लेकिन ये प्लेटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब प्लेटर को अगर आप देखें इसकी बारीकी देखें तो ये आपके बाल से भी बारीक होता है। वो जिस तरह अक्सर हम ना बाल से बारीक और तलवार से तेज, तो ये असल में वो स्टोरी होती है। तो अगर इस प्लेटर पर डस्ट पड़ जाए तो आपका प्लेटर खराब हो जाएगा, तो आपकी हार्ड डिस्क फौरन खराब हो जाएगी। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं अगर हार्ड डिस्क खुल जाए तो वो फिर ठीक नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस पर ये डस्ट, ये स्मोक, ये पार्टिकल्स पड़ जाते हैं प्लेटर के ऊपर, वो पूरा प्लेटर खराब कर देते हैं। और ये अगर प्लेटर हेड, आपके ये हेड और प्लेटर के दरमियान में अगर आ गए ये पार्टिकल्स, तो आप समझ जाएं कि ये डेटा रीड्स प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। हमेशा आपको या तो उसमें से आवाजें आ रही होंगी आपकी हार्ड डिस्क में से, या फिर वो डेटा रीड नहीं कर सकेगी, वो आपको डेटा वापस नहीं ला के दे सकेगी। तो इसलिए कभी भी आपने हार्ड डिस्क को खोलना नहीं है। पहली चीज तो ये कि ये क्रैश हो जाएगी ना, क्योंकि ये अगर दरमियान में ये चीज दरमियान में आ गई है सर, अगर आपका हेयर या डस्ट पार्टिकल दरमियान में आ गया तो ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे और इससे हेड भी खराब हो जाएगा और आपका प्लेटर भी सारा खराब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? यस यस सर। तो ये असल में वो हेड है आपका जो डेटा रीड कर रहा था। अच्छा, अब हार्ड डिस्क जो थी इसका एक अल्टरनेटिव आया। उन्होंने कहा यार हार्ड डिस्क तो स्लो हो जाती है, इसमें तो बड़े मसले हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा अच्छा जी, एक और मटेरियल से किसी कंपनी ने रिसर्च की और उन्होंने कहा अच्छा अब हम हार्ड डिस्क जैसी एक और डिवाइस बना लेते हैं और वो हार्ड ड्राइव्स की ही अल्टरनेटिव होगी। उसे हम कहेंगे को SSD है, दिस इज सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहेंगे। क्या कह रहे हैं? ओके जी, तो अब ये सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है इट इज अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन इट्स ओन प्रोसेसर टू मैनेज इट्स स्टोरेज। सबसे पहले तो देखें जो फ्लैश ड्राइव थी जिसे हम USB ड्राइव अक्सर कहते हैं, वो भी एक मटेरियल से बनाई गई थी, लेकिन उस टाइम वो चूंकि वो मटेरियल असल में महंगा है, जिस मटेरियल से वो फ्लैश ड्राइव बनाई जाती है वो महंगा होता है, इसलिए शुरू में जब आपकी हार्ड डिस्क आई थी वो कुछ 16 GB की, कोई 8 GB की, वो महंगी थी। मतलब शुरू के दिनों में वो इतनी महंगी थी कि इतने की हार्ड डिस्क आ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चीप होने लग गई और अब आप 1 TB की USB भी परचेज कर सकते हैं और वो और जितने की वो USB आती है इतने में शायद आप 1 या 2 हार्ड डिस्क आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इतनी मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो फ्लैश ड्राइव है वो जिस मटेरियल से बनाई गई है वो मटेरियल थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू वो मटेरियल जिससे हार्ड डिस्क बनी। तो अब लोगों ने क्या किया कि USB तो अलग से एक्सटर्नल एक डेटा स्टोरेज का मीडियम है, क्यों ना ऐसी ही हार्ड डिस्क के अल्टरनेटिव के तौर पर एक ड्राइव बनाई जाए जिसे SSD कहा जाता है, जो उसी मटेरियल से बनाई जाए जो फ्लैश ड्राइव से, जिससे फ्लैश ड्राइव बनी है। उसका फायदा जो होगा वो फास्ट होगी, उसमें चूंकि वो प्लेटर्स नहीं होंगे, उसमें घूमने वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ घूमती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें घूमने वाला सिलसिला नहीं होगा तो इसमें एक्सेस टाइम भी कम हो जाएगा। मीन्स SSD जो होती है इसमें डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और इसको फास्ट रीड राइट इसमें हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है कि वह ऐसे मटेरियल से बनी है जो महंगी है, इसलिए जब भी आप SSD परचेज करने जाएंगे आप चंद टेराबाइट तो बहुत दूर की बात है, अगर आप चंद GB की भी SSD परचेज करेंगे तो उतने में एक टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, ये तकरीबन इनके जो प्राइस रेंज है वो इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि SSD हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक्स की बनी होती है, मैग्नेट्स की बनी होती है, और जो SSD है उसके अंदर कोई और टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। तो उसका एडवांटेज क्या होगा? एक तो फास्ट एक्सेस टाइम हो जाएगा। एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा? डेटा सर्च करना प्लस
डेटा को हार्ड डिस्क से या एसएसडी से प्रोसेसर तक ट्रांसफर करना, इसमें स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब है हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम ज्यादा है और एसएसडी का एक्सेस टाइम कम है। अच्छा जी, फास्टर ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर जाहिर है ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा तो एक्सेस टाइम कम होगा। क्विकर ऑपरेशंस, जल्दी जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ऑपरेशन कौन से होते हैं? डेटा को रीड करना एंड डेटा को राइट करना। ये डेटा का रीड करना और राइट करना, ये वो ऑपरेशंस हैं जो जितनी जल्दी हो तो जाहिर है जल्दी जल्दी डेटा सेव होगा। और इसी तरह अगर रीडिंग जल्दी हो रही है तो डेटा रीडिंग भी, फिर डेटा को गेट करके लाना और प्रोसेसर तक पहुंचाना ये भी ज्यादा होगा। फिर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा लंबे अरसे तक चल सकती है, लाइफ लॉन्गर है, ज्यादा लंबे, ड्यूरेबल मीन्स ज्यादा मतलब जल्दी खराब नहीं होने वाली। एसएसडी जो है वो जल्दी खराब नहीं होती एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। इसी तरह लाइटर वेट होता है इसका और पावर कंजम्पशन भी कम होती है। इसके अंदर हीट जो होती है वो कम जनरेट होती है क्योंकि ऐसे मटेरियल से बनी है जिसमें जो हीट ज्यादा जनरेट नहीं करता, लेकिन मैग्नेट्स में चूंकि प्लेटर्स घूमते हैं तो घूमने की वजह से हीट ज्यादा जनरेट होती है। लाइफ लॉन्गर है, लंबे अरसे तक चलती है। और डीफ्रेगमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये खास किस्म का प्रोसीजर होता है डीफ्रेगमेंटेशन जो हार्ड डिस्क में किया जाता है। जिसमें जब हार्ड डिस्क पे डेटा बहुत ज्यादा पड़ा होता है और अनऑर्डर फॉर्म में पड़ा होता है, कुछ डेटा इधर पड़ा हुआ है कुछ कहीं और पड़ा हुआ है, तो उसको अरेंज करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वो एक बहुत हैवी काम होता है। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंटेशन पे लगा दें तो आप समझ जाएं कि 3-4 दफा अगर आपने ये प्रोसेसर अप्लाई किया है, यानी कि ये प्रोसेस डीफ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस अगर आपने हार्ड डिस्क पे 4-5 दफा अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क फारग हो जाएगी। वो बस समझें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई, तो वो बहुत जल्द ही। अच्छा, में जब हम हार्ड डिस्क पे डिफरेंट सेक्टर्स में अपना डेटा सेव कर रहे होते हैं तो वो कुछ सेक्टर्स दरमियान में अवेलेबल होते हैं और कुछ फिल होते हैं। तो जब आप एक फाइल, बड़ी फाइल, लेट्स से मूवी आपने सेव करनी है, तो वो होता क्या है, जहां जहां सेक्टर फ्री मिलते जाते हैं वो डेटा सेव कराती जाती है कि 1 किलोबाइट का डेटा जहां जहां उसे जगह मिलेगी वो सेव कराता जाएगा। तो आपकी 1 GB की अगर फाइल थी मूवी की, तो जहां जहां जब आपने सेव कराना शुरू की तो वहां से लेकर ऑनवर्ड आगे जितना भी डेटा सेव हो रहा है, अब जहां जहां सेक्टर्स फ्री होंगे 1 किलोबाइट वाले, वो उनमें डेटा फिल करता जाएगा। अब उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि दरमियान में कुछ जगह पे, कुछ चंक्स पे, फॉर एग्जांपल हम अगर ये वापस चले जाएं इस पैराग्राफ, इस स्लाइड पे, तो अब इसमें ये पॉसिबल है कि जब आप इस हार्ड ड्राइव में डेटा सेव करें तो, बल्कि मुझे रेड यूज करना चाहिए, कि ये पॉसिबल है कि जब आप अपनी अपना डेटा सेव करने लगे तो एक इस सेक्टर में सेव हो, अगला डेटा यहाँ सेव हो, अगला यहाँ सेव हो, और हो सकता है इसके बाद ये जो सेक्टर आ रहा है इधर ऑलरेडी कोई और डेटा सेव हो, तो आप आपकी मूवी का डेटा यहाँ से स्किप होके यहाँ चला जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा, फिर पता चला ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, और वो डेटा इधर आ गया। अब ये रेड रेड जितना आपको डेटा नजर आ रहा है ये असल में आपकी एक ही मूवी थी, लेकिन हुआ क्या, दरमियान में कुछ सेक्टर्स खाली थे, वहां डेटा कॉपी हो गया और जो कुछ किसी और डेटा ने या किसी और फाइल ने उन सेक्टर्स को कंज्यूम ऑलरेडी किया हुआ था, तो वहां वो डेटा सेव नहीं हुआ। इसका मतलब है आपकी एक जो मूवी सेव हुई है वो असल में हार्ड डिस्क में डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई है। ये बात समझ आ गई आपको? सर, ये जो बैड सेक्टर, जिस तरह हम कोई चीज सेव करते तो उसमें बैड सेक्टर आ जाती है, ये बैड सेक्टर क्या चीज होती है? क्या वो असल में ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जिसे आप एक सेक्टर कहते हैं, वो सेक्टर जब खराब हो जाता है डेटा सेव करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। उस सेक्टर को, वो वाला सेक्टर जिसके मैग्नेट्स खराब हो जाते हैं, उसे हम बैड सेक्टर कहते हैं। सर, और ये जो फाइल हम डिलीट कर देते हैं, हार्ड डिस्क क्लियर कर दें, तो दोबारा ये रिकवर कर लेते हैं, क्लस्टर तो ऑलरेडी खाली है, तो फिर ये डेटा कहाँ से आता है? वो असल में खास तरीके का, कहीं ना कहीं ये डेटा पड़ा होता है ना, फिर असल में होता क्या है, आपका असल में डेटा डिलीट नहीं होता। जब आप डिलीट करते हैं ना, आप कहते हैं
सॉरी टीचर सर, अगर हम उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहें यानी उसको दोबारा रिकवर ही ना कर सके, तो उसके लिए क्या तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। पहले मैं ये आंसर कर लूं, देखें जब फॉर एग्जांपल जो मैंने मूवी जहाँ सेव की है, मैं ये मूवी डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब मैंने डिलीट की ऑप्शन दे दी, अब मेरा एक रिकॉर्ड मेंटेन हार्ड डिस्क के अलावा मेरा एक कहीं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है कि अच्छा जी हार्ड डिस्क में ये फाइल्स हैं, ये फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स में ये फाइल्स पड़ी हैं। जब मैंने एक मूवी डिलीट की ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो फैसिलिटी थी ना, जहाँ उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया था, उसने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड कि भाई यहाँ अब मूवी नहीं पड़ी। लेकिन हार्ड डिस्क से रिमूव नहीं होती, ये बात समझे हो? वो ये तो सर फिर उन्होंने खुद रखा हुआ है मेरे ख्याल में। जी ये उन्होंने खुद रखा हुआ है ताकि जब अगली दफा आप कोई और मूवी उस फोल्डर में सेव करना चाहते हो, तो उसको ये पता चलेगा यार ये जो जगह थी ना जहाँ ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ था, ये तो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये डेटा डिलीट हो चुका था, अब ऐसा करो कि इस जगह ना एक और मूवी का डेटा राइट कर दो। अब जब आपने वो डेटा राइट कर दिया ना, तो अब क्या होगा, अब वो जो पुरानी मूवी का डेटा था वो नहीं आ सकता, बात समझे हो? जी सर। अच्छा, तो असल में डेटा एक है एक्चुअल डेटा का हार्ड डिस्क पे सेव होना, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास लिस्ट मेंटेन करता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ यहाँ ये फोल्डर्स हैं, इन फोल्डर्स के अंदर ये फाइल्स पड़ी हुई, ठीक है। तो असल में जब हम मूवी डिलीट करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में से रिकॉर्ड डिलीट होता है, सिर्फ हार्ड डिस्क में से वो डिलीट नहीं होता। तो जब हम रिकवर करते हैं तो असल में क्या होता है, रिकवरी असल में हार्ड डिस्क नहीं हो रही होती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी रिकवरी हो रही होती है कि वो उसने डिलीट किया होता है ना, उसका वो रिकॉर्ड वापस ले आते हैं हम, ये बात समझे हो? जी सर। और जिस तरह दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि एक दफा आप अपनी पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करें। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कह दें कि भाई आज के बाद इस हार्ड डिस्क पे कोई डेटा सेव नहीं है। अच्छा, कोई डेटा सेव नहीं है, हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना डेटा अपना रिकॉर्ड रिमूव कर दिया, उसने कहा जी कुछ भी हार्ड डिस्क पे सेव नहीं है। अब आप क्या करें, अब आप कोई और डमी डेटा उठाएं और हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कराएं। तो इसका मतलब जो पुराना डेटा पड़ा हुआ था हार्ड डिस्क के ऊपर, जिसको आप पहले कह रहे थे कि ये मेरा डेटा नहीं है, अब आपने जब उसके ऊपर मजीद डेटा राइट कर दिया, और वो डमी डेटा हो सकता है, डमी डेटा राइट कर दिया, बात समझ आई? जी सर। और जब आपने और डेटा राइट कर दिया, अब आप फिर उसे कह देंगे इसको फॉर्मेट कर दो, अब जो आपने डेटा पहले डिलीट किया था वो डेटा कभी वापस नहीं आ सकता। जब आप रिकवर करेंगे तो वो वाला डेटा आएगा जो आपने आखिरी दफा सेव करके डिलीट किया। ये बात आप समझे? जी सर, समझ गए, समझ। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हुआ या नहीं? हाँ जी, जिसने क्वेश्चन किया था उसको समझ आ गई? नजीबुल रहमान ने पूछा था। नजीब, आपको समझ आ गई है? मुझे पता नहीं कहाँ चला। जी सर, मुझे आ रही है समझ। नहीं, ये जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको समझ आ गया? जी सर, आ गया। चलें हम आगे चलते हैं। नजीब, ओके जी, अब हम मजीद सर, वो आपको मैंने ईमेल किया था, वो आपको रिसीव हो चुका है कि नहीं? पता नहीं, मैंने अभी देखी नहीं। मैंने सर कल आपने मुझे भेजी थी, वो दो क्वेश्चंस थे, एक सिंगल था, दूसरे में दो पार्ट्स थे। क्लास के एंड पे देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया कि हार्ड ड्राइव जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, कंप्यूटर के अंदर भी लगी हो सकती है, कंप्यूटर के बाहर भी लगी हो सकती है। तो एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आती है, जिस तरह ये दोनों आपको जो नजर आ रही है, ये वाली, ये जो है ये भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, इसका स्टाइल और है, ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, इसका स्टाइल और होगा। तो डिफरेंट कंपनीज की जो आप हार्ड ड्राइव्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स परचेज अगर करते हैं,
वो डिफरेंट स्टाइल की हो सकती है, लेकिन अंदर जो मटेरियल होता है ज्यादातर वो एक जैसा ही होता है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं इनको हमेशा कंप्यूटर में अटैच करने के लिए आप हमेशा यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए यूएसबी केबल आपको चाहिए होती है। तो ये जब भी आप एक्सटर्नल चीज़ें अटैच करेंगे तो हमेशा यूएसबी पोर्ट के थ्रू ही आप अटैच करेंगे, ठीक हो गया। और एक आपकी होती है रैड, ये रैड क्या होता है वैसे पता नहीं सर। अच्छा, अरे सामने लिखा है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, डिस्क रीड करने वाला, उसको रेड कहते सर? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये रे है कोई? नहीं नहीं नहीं, रिडंडेंट अरे, दो हार्ड डिस्क का मजमुआ जी, एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हार्ड डिस्क के मजमुए को हम रैड कहते हैं। रैड इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटीग्रेटेड हार्ड डिस्क और एसएसडीज। अगर आप एक से ज्यादा बल्कि मिनिमम दो हार्ड डिस्क लें, उनको जोड़ दें, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि दिस इज एन अरे ऑफ हार्ड डिस्क। अरे असल में कहते हैं अरेंज फॉर्म में किसी चीज का पड़ा होना, जिस तरह आप कभी लैब में गए, लैब में पीसी ऐसे अरेंज फॉर्म में सीधे पड़े होते हैं, टेबल के ऊपर ऐसे पड़े होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि दिस इज अरे ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह आप अगर लाइब्रेरी जाएं तो बुक्स उन्होंने ऐसे अरेंज करके रखी होती हैं, वो भी उसको हम कहते हैं दिस इज अरे ऑफ बुक्स। तो इसी तरह अगर आप हार्ड डिस्क अरेंज करके ऐसे रख दें और आपस में जोड़ दें तो हम इन्हें कहते हैं अरे ऑफ डिस्क, लेकिन इसका स्पेशल नाम है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये रैड इस्तेमाल कहाँ होता है? ये जो आपके सर्वर्स होते हैं ना, जिनके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है, तो असल में सर्वर के अंदर आपने रैड लगाया होता है, एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगाई होती है, क्योंकि वो सिर्फ दो नहीं होती, वो 10, 20, 100 इतनी भी हो सकती है, वो अब डिपेंड करता है कि आप कितनी लगा सकते हैं सर्वर के। बात क्लियर होगी सर? ये सीसीटीवी जो कैमरा है इसके साथ कौन सा वो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कोई? कैमरा के अंदर अपनी स्टोरेज वो आप लगाते हैं ना, जो क्या उसे कार्ड कहते हैं, आई थिंक मेमोरी कार्ड। नॉर्मली जो आपका कैमरा होता है उसमें कार्ड लगा होता है, लेकिन जो अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसके पीछे एक ऐसी मशीन या ऐसी डिवाइस लगी होगी जहां वो अपना वीडियो लाकर प्रोवाइड करता है, वहां आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है। कैमरा के अंदर बिल्ट इन कोई मेमोरी असल में नहीं होती, वो असल में डेटा वीडियो बनाकर कैमरा के अंदर भी सर मेमोरी कार्ड लगता है, मैं खुद। अच्छा अच्छा, अंदर भी लगता होगा, सही है सही है। ये सर PTZ कैमरा जो है, ये जो रोटेशन कैमरा हमारे पास आते हैं पेल्को के, तो उसमें हम अंदर ही मेमोरी कार्ड पेट कर दे, और उसका जो बैक साइड पे जहाँ पे कंट्रोल रूम होता है वहाँ CPU होते हैं और उसके डिस्क उधर पड़े होते। सही होगा, बिल्कुल ठीक होगा। इसका मतलब जो कैमरा असल में मैंने देखा था उसमें कैमरा के अंदर कार्ड लगने की फैसिलिटी नहीं थी, वो डायरेक्ट CPU में या जो कंप्यूटर है वहाँ जाता था। आपके केस में इसका मतलब है कि कैमरा भी उन्होंने अच्छे नस्ल के बना दिए ताकि उसमें इनबिल्ट डेटा सेव हो। यस सर, ये इंपोर्टेड कैमरे हैं, ये फिर कोई कार्ड निकाल लेगा? हाँ, कार्ड निकाल तो ले निकाल सकते हैं, अगर कोई कार्ड निकाल नहीं लगे सर आप पीछे लगे हो। हाँ हाँ, निकाल सकते, जिसको पता वो निकाल सकते हैं जी सर। कार्ड उससे निकल भी जाते हैं और दोबारा लगा भी सके, अगर कार्ड उससे निकाला जाए तो उसकी स्टोरेज जो है वो डेटा रूम में स्टोर हो जाती है और यहाँ भी स्टोर होती है, यानी दोनों जगह पे स्टोर होती है। हाँ, असल में दोनों जगह पे। चलें, खैर। अच्छा, एक पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी स्टोरेज होती है, ये कौन सी होती है? अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं। सर ये कब चीटी करेंगे? मैं चाह रहा हूं कि लेक्चर जल्दी एंड हो जाए। फिर कितना रह गया? अभी तो है थोड़ा। मेमोरी कार्ड असल में क्या है? इट इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। जिस मटेरियल से फ्लैश मेमोरी बनी हुई है, फ्लैश USB ड्राइव बनी है, उसी मटेरियल से आपके फ्लैश में आपके मेमोरी कार्ड्स बने हुए हैं। अब वो डिफरेंट तरह के आते हैं, ये अब नीचे उन्होंने डिफरेंट उनके, जिस तरह मिनी SD आपने कार्ड देखे होंगे, कुछ माइक्रो कार्ड देखे होंगे, ये उसी की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं।
ये डिफरेंट कार्स की शेप्स हैं जिस तरह ये डायग्राम में उसने दिखाया है, और उनको रीड करने के फिर रीडर्स भी वेरी कर रहे होते हैं। ये आपने देख लेने चीजें। फ्लैश ड्राइव है, जिसमें फ्लैश ड्राइव का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम है कि भाई ये इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो सारी चीजें अपनी मैनेज कर रहा है। तो ये जरा उन्होंने अंदर से आपको सर्किट्स दिखाया हुआ है, ये कैसे चीजें चल रही हैं। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज है, ये हमने इससे पहले डिस्कस की। ये क्लाउड स्टोरेज असल में क्या है कि हमारे से दूर रिमोटली कहीं सर्वर्स पड़े हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, तो हम अपना डेटा उधर इंटरनेट के थ्रू सेव करा सकते हैं। तो जिस तरह आप अगर ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रहे हैं, या आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, या वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की यूज़ कर रहे हैं, तो ये असल में दे आर क्लाउड स्टोरेज। फिर ऑप्टिकल डिस्क है, ये जिस तरह ऑप्टिकल डिस्क असल में आप ये सीडी रोम को कहते हैं। आई ड्राइव सारे इसी में आते हैं। कौन सी आई ड्राइव और ये ज़ेपिया वगैरह, ये उस क्लाउड में आते हैं? ज़ेपिया तो क्लाउड में नहीं है, लेकिन जो आई क्लाउड है वो क्लाउड स्टोरेज में आता है। जो अच्छा, वो सिर्फ ट्रांसफर करता है, मतलब सेव नहीं करता उसका। हाँ, वो सेव नहीं करता। ओके जी, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं इस, ये फ्लैट ज़ेपिया के अंदर उतरा होता है। चले वो आप डिस्कस कर लेना फिर आप। अच्छा, ये मेटल की होती है, प्लास्टिक की होती है, और डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, और इसमें लेजर, असल में जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसमें जो हमारा डेटा होता है वो लेजर के थ्रू सेव भी हो रहा होता है। और ये पूरा प्रोसीजर है, इसमें ये आपको प्रिज्म नजर आ रहा होगा, तो हमारा जो लेजर होता है उस लेजर से एक लाइट निकलती है, वो प्रिज्म से निकल के फिर लेंस से निकलते हुए आपकी ये जो डिस्क होती है इसके ऊपर जाकर वो लाइट पड़ती है, तो फिर वो देखती है कि अच्छा इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर 0 लिखा हुआ है या इस पर 1 लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये थोड़ा सा आप गौर करें तो इस पे थोड़े से ऐसे ना ये खड्डे से नजर आ रहे हैं आपको, ये जो ऐसे दंदे बने हुए हैं। हाँ, दंदे से बने हुए हैं। इन दंदों का मतलब ये होता है कि ये ना ये क्या है, ये जो अगर लाइट 0101 ये लाइट अगर दंदे के अंदर चली जाए तो इसको हम कहते हैं ये 0 है, ठीक है। और ये लाइट अगर नॉर्मल सरफेस पे हो, जब ये जैसे ही सरफेस पे नॉर्मल सरफेस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये जब रिफ्लेक्ट करके लाइट आती है तो हम इसे कहते हैं दिस इज 1। तो ये जो दंदा है इसे हम पिट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दंदा है, ये जो कर्व है, ये जो खड्डा है, इसके हम पिट कहते हैं। जब लाइट पिट के अंदर जाती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हम कहते हैं दिस इज 0, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हम इसे क्या कहते हैं दिस इज 1। तो ये असल में सारा लेजर का कमाल होता है, और पिट का और नॉन पिट का काम होता है, कि जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज 1 एंड 0। ये पूरा एक प्रोसीजर है जो ये काम कर रहा होता है। और ये आपकी ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव होती है, जो सेंटर से इस तरह इसका स्पायरल से शुरू होती है और ये आखिर तक चल रही होती है। तो इसमें भी डिफरेंट आपके फिर सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक, ये सब पूरा एक लंबा ट्रैक होता है, इसमें फिर सेक्टर्स उन्होंने बनाए होते हैं, और हर सेक्टर के अंदर फिर आपका डेटा सेव हो रहा होता है। और इनको रीड करने के लिए या इनको राइट करने के लिए डिफरेंट आपके फिर सीडी रोम्स हैं, या डीवीडी रोम्स हैं, या सीडीआरस हैं, या सीडीआरडब्ल्यू हैं। सीडी रोम सिर्फ एक आपकी सीडी से डेटा रीड कर सकता है, जो सीडीआर है वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है जी, सीडीआर का क्या मतलब है? राइट कर सकते हैं जी, ये राइट कर सकते हैं। ऐसी सीडी जिस पे सिर्फ एक दफा राइट हो सकता है उसको सीडीआर कहते हैं, यानी कि एक दफा उस पे लिख दिया तो बस खत्म, उसके बाद दोबारा नहीं लिख सकते उससे। इस तरह जो RW होती है वो इरेजेबल होती है, कि उस पर अगर एक डेटा आपने लिखा है आप पहले से, आप वो डिलीट करके दोबारा भी लिख सकते हैं, उन डिस्क को दोबारा यूज कर सकते हैं जी, तो उसे RW कहते हैं। इसी तरह वो DVD वाला भी सीन, एक है ना सीडी रूम, एक सीडी से है, एक फिर टेक्नोलॉजी आ गई DVD जिसमें कैपेसिटी बढ़ा दी, और DVD के बाद कौन सी आई थी किसी को बताओ? DVD के बाद सर पता है, पर ज़हन से नाम अभी निकल गया, Blue जो आजकल लोग वही यूज कर रहे हैं, Blu-ray, कंबो सर, Blu-ray यार, Blu-ray भी है।
ओके जी, उसके बाद बिल्कुल वही उसी तरह का काम है, डीवीडी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अगर सिर्फ डीवीडी रोम है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, डीवीडीआर है तो वो सिर्फ राइट कर सकता, रीड कर सकता है, और डीवीडीआरडब्ल्यू है तो वो रीड और राइट, दोबारा रीड राइट भी कर सकता है।